सिफतमंद के आदमी हर कोई वो को मंगे तो तखलुक यह है कि अपने चो आदत पैदा करने की कोशिश यह तखलुक चाह जाता कि उ चीज़ अपने अंदर जो रब अली मैं जहालत तो नफरत कर रहा हर मुसलमान तो तकाजा कह रहा हासिल कर इलम जरा हासिल करना फर्ज हो गया इसे तो हो गया कि तेरा रब जाहिल है आलम है इस तो आलम ना खुदा किस तरह पसंद जाहिलान कर सकता हर आलम बने मुसलमान आप सीखे नहीं सकता आलमक बवे इलमे दीन होना चाहिए जहालत नहीं होनी चाहिए। रसूल करीम अलैहिस्सलाम मेरे इन्ना नाराज़ होया आपने एक दिन खुतबा दिता सारे कम गए तो पता नहीं किसी गल ना नहीं लिया आपने आपने ना कुछ लोग ऐसे है जिन्होंने मैं जानना कि आप दीन जानते मगर उन्होंने कोल ऐसे लोग बसते जिन्होंने अजे तक दीन नहीं आया इन्होंने तवज्जो नहीं उन्होंने की एक साल के अंदर अंदर उन्होंने आरम बना देना वरना मैं इन्होंने बददुआ करूँगा इन्हों का अंजाम बखैर नहीं होगा कम गए लोग आपस गलबात भी कि गल है कि बारे फिर पता लगा कि हज़रत अबू मूसा शरीर का कबीला जो आप आलम है लोग यमन चो आके बन गए लग गए अनपढ़ वसद उन्होंने दीन नहीं छाया उन्होंने आके पूछा यार सुला सी समझ गए साल के अंदर ही आलम हो जाओ इस तो अल्लाह आंदा जे अल्लाह नूं मंदे जे पहला उस नाल एक ताल्लुक पैदा करो जब रब नूं हर शायद खबर है तू कि वसीले अल भजा या दस खां बे रब नूं तेरी दरखास्त का नहीं पता फलाने नूं जाके दसना तो उन्हें इतलाह देनी मर काफर हो के अल्लाह जो उन्होंने जमन तो पहला जानता मेरे बंदे नूं आ काम बना या अल्लाह दे इलम दा इनकार कर ताल्लुक ही खत्म हो गया तो आ फिर तखल्लुक पैदा कर इलम की तलाश दिन ब दिन यह हदीस के अंदर आता कि आलम बन या मुतालम बन वरना तीसरा तो फिर तू जरा तबाही और बर्बादी या खुद आलम हो जा या आलम को बहना शुरू कर दे सीखना शुरू कर दे तो मजीद ते गल कोई पिछला हिस्सा पहला आ गया हमीद ते भी इंशाअल्लाह अगले हिस्से फिर मुल्ला अली काजी अहमदुल्लाह पढ़ देंगे हैगा है मजमून लजीज अल्लाह ताला का जिक्र अल्लाह ताला का बयान जरा ना एडा प्यारा।